मुंबई में कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है और इस बीच मुंबई में कई तरह की घटना सामने आ रही है। इस बीच मुंबई के कई इलाकों से लोगों ने ट्विटर और फोन के जरिए बीएमसी, मुंबई पुलिस और फायर ब्रिगेड को ये शिकायत दी कि उनके इलाके में गैस लीकेज की बदबू आ रही है और उन्हें सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही है। शनिवार रात 10 बजे मुंबई के कई इलाकों से शिकायत की गई। शिकायत के बाद से फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां अलग अलग इलाकों में पहुंची और चेकिंग करना शुरू कर दिया। चेंबूर, घाटकोपर, विक्रोली और पवई और कई इलाकों से गैस लीक की शिकायत सामने आई, लेकिन जांच करने पर पता नहीं लगा कि आखिर कहां से गैस लीक हुई थी। मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्विटर पर लोगों से अपील की कि इस मामले से डरे नहीं। फिलहाल जांच के लिए फायर ब्रिगेड इलाकों में पहुंच चुकी थी, लेकिन पता नहीं चल सका। दूसरी ओर बीएमसी के कर्मचारी लोगों से अपील कर रहे थे कि अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो गीले कपड़े से अपना मुंह ढक ले, लेकिन ये पता नहीं लग सका कि आखिर ये अफवाह थी या फिर कहीं से गैस लीक हो रही थी। इसी के साथ आपको बता दें कि मुंबई पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मुंबई पुलिस समुद्र में डूबते एक शख्स को बचाते हुए नजर आ रही है। दरअसल मुंबई के वालकेश्वर में एक व्यक्ति गलती से समुद्र में गिर गया था। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मचारियों ने रस्सी के सहारे उस व्यक्ति को पानी से खींचकर बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर पुलिस का शुक्रिया किया। मुंबई पुलिस ने इस घटना का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। मुंबई पुलिस ने अपने ट्वीट में लिखा कि जीवन के कठिन समय में हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। पुलिस कांस्टेबल टी माने और एस शिगवान ने एक शख्स के मदद के लिए पहुंचे और उस व्यक्ति को समुद्र से बाहर निकाला। आपको बता दें कि जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुआ है, 45,000 से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।